फिलहाल हम तावड़ों के मोहम्मदपुर अहीर गांव में मौजूद हैं। बस अड्डे पे यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, तमाम बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि गांव में किस तरीके का माहौल है, मूड कैसा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसके ये लोग हरियाणा में सरकार बनवा रहे हैं, और सोहना तावड़ू विधानसभा से किसको विधायक बना रहे हैं। सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम रणधीर है जी। रणधीर। अंकल जी, फिलहाल सबसे पहला सवाल ये कि विधायक ने कैसा काम करा क्षेत्र के अंदर? विधायक ने कोई काम ना करो, दिन नू पैसा कमाए, चोर है, एक नंबर को डकैत। अच्छा। इन्हें ना करवाओ कुछ भी, जो वो पिछली बार जो तवरत हो, और मरना जीना में ब्याह शादी में मान सम्मान में आना, अरे वो तो बेईमान बने, इन्हें तो चोरी डाका डीलरी करिए और कुछ ना करो, लुट्टो इन तावड़ू सोना शोषण किया है, कोई विकास को एक कार्य ना करो, बेईमान एक नंबर को डाकू। जो अपना एक बाप की छवि अच्छी थी तावड़ू विधानसभा का, लोगा नहीं हो जिता दी, सूरज पाल को छोरो तो लोग गांव कुछ उमंग थी, एक बार बढ़िया रहेगा, एक बाप अच्छो तो गो, पर इन्हें अपना बाप की सारी खो दी बैठ चु बेईमान ने। फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज पे है, और 1.5 महीने का समय रह गया है, फिर टिकट वितरण हो जाएगा, चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, तो क्या मानते हैं हरियाणा में किसकी सरकार बनवा रहे? हरियाणा में सरकार तो बनेगी कांग्रेस की, 100%। क्या कारण क्या लगता है आपको? कारण कि झूठा है, पोर्टल कर दिया, नू कर दिया, जनता ने 24 घंटा परेशान करना, बोलो CSC बजाओ, फार्म भरो, फार्म भर दे, पेपर लीक करवा दे, एजुकेशन में ये फेल हो रहा है, बीजेपी कहीं में भी ना है, सरकार कैसी भी ना है, दो अन्ना की भी। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान का रख है 24 घंटा, और कोई इन पर काम नहीं है, बेईमान सरकार, भ्रष्ट। हुड्डा साहब बन जाएंगे आपकी बार CM? हुड्डा ही बनेगा 100%, दीपेंद्र बने या भूपेंद्र बनेगा, हुड्डा ही यही बनेगा। तो अगर सोहना में किसको विधायक बनाना चाहते हो? अगर सोहना में अगर कांग्रेस टिकट दे रोहतास कटाना थे तो जीत सके है, अन्य कैंडिडेट तो ना जीते, नहीं जीतेगी। फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनेगी? मतलब फिर बीजेपी की सरकार तो ना बने, सरकार जब भी कांग्रेस की रहेगी, पर विधायक यहाँ तक बीजेपी को बन जाएगा। अच्छा, अगर रोहतास को टिकट नहीं मिली तो? कांग्रेस ने अगर रोहतास कटाना टिकट ना दी तो फिर ना बने कांग्रेस को कोई भी विधायक, यहाँ तक यो ही बन सके, सोहना से नहीं बनेगा विधायक। कल आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से कौन जो है सोना में विधायक बन सकता है अगला? रोहतास खड़ा ना बन सका। रोहतास? अच्छा, मतलब अगर अंकल की बात है कि कांग्रेस अगर रोहतास को टिकट नहीं देती है तो कोई विधायक नहीं बनेगा? देखो, अगर ये भाई ने कही वो बात 100% सही है। हाँ। बाकी वही बात है, अगर ये रोहतास बने तो रोहतास पार जाएगा। अच्छा, और किसी को टिकट दी तो फिर क्या होगा? ना बने कोई। और कोई नाम है आपके पास जो कांग्रेस से यहाँ पे टिकट निकाल सकता है? नाम तो अभी फिलहाल बहुत काम की सोच यही है कि रोहतास खट्टर ना आ जाए, बहुत बढ़िया बात। रोहतास खट्टर ना आना चाहिए, ठीक है। अंकल, अंकल आपका क्या नाम है? राजकुमार है जी। राजकुमार हो आप, गांव में भी आपका राज है नहीं है? हाँ जी, बहुत तगड़ा हूँ। अच्छा, तगड़ा पूरा राज है? हाँ जी। अच्छा, विधायक ने कैसा काम किया है आपके राज में? नकर चवन्नी को भी। अच्छा, ऐसे खिलाफ हम बीजेपी के खिलाफ ना जी, बीजेपी अगर कहीं भी कैंडिडेट ना और तो ऐसे अलावा खड़े कर देगा तो बन के जाएगा यहाँ तावड़ू विधानसभा। ठीक है अंकल, और भी तमाम लोग हैं। अंकल आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी ज्ञानी राम। आप गांव के ही? गांव का ही जी। अच्छा, विधायक ने कैसा काम किया गांव में? विधायक ना करा जी, कुछ भी काम ना करा जी, संजय ने कुछ काम नहीं किया ना। ठीक है, कारण क्या मानते हैं? कारण कुछ भी लगा लो जी, आदमी कोई भी कुछ भी कर सके, भाई अपना राज कर रहा हो तो बढ़िया, ये बात है जी। अच्छा, सरकार किसकी बनवा रहे हरियाणा में? भूपेंद्र हुड्डा बनेगा जी मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ जी, हुड्डा साहब फिर से बन जाएंगे? बिल्कुल बनेगा जी, गारंटी। अच्छा, हाँ। विधायक किसको बनवाएंगे सोना? विधायक तो देखे जी, कोई पता ना, कोई बन सके। अच्छा, चाहे बीजेपी को बने चाहे कांग्रेस बने, पर मुख्यमंत्री बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, कांग्रेस से अगर कांग्रेस को ये सीट जीतनी हो सोना तावड़ू विधानसभा, तो किसको टिकट देना चाहिए? खटाना को मिलनी चाहिए जी। कौन से खटाना? तेरे खटाना? रोहतास खटाना, रोज वाला। हाँ जी, रोज जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। कारण क्या है? कारण ये हुआ, पिछली बार मैंने गरीब लोग वागो की मदद करे, गरीब की मदद करे, और इस वजह से ही कामयाबी मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। पिछली बार कितनी वोट मिली थी? पिछली बार तो ज्यादा मिली, कुछ कम से हरो बस। अच्छा, अब की बार अगर कांग्रेस से टिकट? हाँ बिल्कुल जीत, बिल्कुल जीत जाएगा जी, जीत जाएगा। इनका कहना है कि कांग्रेस से अगर रोहतास टिकट लाता है तो वो जीत जाएगा। तो हरियाणा के अंदर जो है सरकार किसकी बनवा रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस की? कांग्रेस की। सीएम कौन बनेगा? सीएम हुड्डा बनेगा, कौन बनेगा? हाँ। और विधायक किसको बनवा रहे हो? विधायक को क्या बताया, रोहतास खटाना, रोहतास खटाना, रोहतास खटाना, रोहतास खटाना। कौन सी पार्टी से बनेगा विधायक?
ये बन गए कांग्रेस बन जाएगा बन तो नहीं। कांग्रेस टिकट देती है इसको तो जीत है, टिकट मिल गई जीतेगा ठीक है। अगर कांग्रेस से टिकट रोहतास खटाना को मिलती है तो वो जो है जीत जाएंगे, ऐसा अंकल का कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नानक है। आपके हिसाब से विधायक ने काम करा है गाँव में? विधायक ने कोई काम ना करो, कोई काम नहीं करो ना। हरियाणा में सरकार किसकी बनवा रहे हो आपकी बात? हुड्डा की। अच्छा, पक्का बात? पक्की बात। और विधायक किसको बनवाओगे? विधायक भी रोहतास खटाना। रोहतास खटाना क्यों? हाँ, कांग्रेस का विधायक वही बनना। अच्छा, कांग्रेस से वही बन सकता है। और भी लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? अमीचंद जी, आपके हिसाब से हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? देखो, अब की बार हरियाणा सरकार में भाजपा ने कोई काम नहीं किया हमारे क्षेत्र में। अच्छा। हम तो सबसे ज़्यादा ये कहेंगे कि सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा। और कांग्रेस को लाना चाहिए। हाँ। क्योंकि कांग्रेस आएगी तो फिर दोबारा तो थोड़ा बहुत तो काम होगा, पहले भी काम होता था कांग्रेस राज में। हाँ। तो अब की भाजपा सरकार में हमारे हर क्षेत्र के आसपास के जो भी हैं, गली है, मोहल्ले हैं, कूड़ा है, करकट है, सब गंदगी फैला हुआ है। अच्छा, बदलाव मतलब मांग रहा है? हाँ जी, क्षेत्र के लिए बदलाव जरूरी है जी। अच्छा, और विधायक किसको बनवा रहे हो इस बार? अगर कांग्रेस मजबूत और कैंडिडेट बढ़िया देती है। हाँ। दे तो हम तकरीबन वोट कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो बिना ज़्यादा परेशानी के, बिना ज़्यादा खींचतान के ये सीट जो है वो हुड्डा साहब की झोली में जीत के दे सकता है? तो हम तो ये चाहेंगे कि रोहतास खटाना बढ़िया काम करेगा, क्षेत्र अच्छा। का भी है और एरिया से बहुमत वोट अच्छा भी लेगा। अच्छा। कांग्रेस के लिए तो जीत सकते हैं वो? हाँ जी, पक्का जीत सकते हैं जी। अच्छा, हुड्डा साहब उनको निश्चिंत होकर टिकट दे सकते हैं? अगर हुड्डा साहब उनको देते हैं सीट तो पक्का 100% जीत सकते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोंटी नाम है जी मेरा। तो क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है? इतना खास तो नहीं हुआ जी। नहीं, विधायक ने कुछ कराया है? नहीं, इतना खास तो नहीं किया। विधायक को अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर दोगे आप? 5 देना। 5 देंगे। अच्छा, तो फिलहाल क्या सोच के चल रहे हैं? चुनाव आने वाले हैं 1.5 महीने में, ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी, तो क्षेत्र के अंदर कौन सी पार्टी की आवाज़ फिलहाल है? कांग्रेस की। ऐसा मतलब कांग्रेस की लहर लग रही है आपको? जी। कांग्रेस से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये जो सीट है वो जीत कर हुड्डा साहब की झोली में डाल देगा और राहुल गांधी को खुश कर देगा? रोहतास खटाना जी। रोहतास खटाना कौन से वाला? रोहतास रिठोज का है। वो कर देगा? हाँ जी। कारण क्या है कि उसको टिकट मिलनी चाहिए? ऐसा है कि उसने 48,000 वोटों से वो थे पहले वो। अच्छा, 2019 में। अच्छा। तो 9,000 का था डिफरेंस था ओनली। अच्छा। तो इस कारण ये निकाल देंगे सीट को। 9,000 का केवल जी। अच्छा, अगर कांग्रेस से टिकट मिलती है तो निकाल लेंगे जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है जी। वसीम जी, आप इसी गांव से? हाँ जी, मैं लगभग इसी से समझो मुझे भी। अच्छा, आप इसी गांव से, तो आपने पिछला चुनाव भी देखा, ये चुनाव भी देखा, सबसे पहले विधायक ने कैसा काम किया? कंवर संजय सिंह ने जी यहाँ पे कोई खास काम वाम तो किया नहीं, वोट मैंने भी संजय को ही दी थी पिछली बार। हमारे खास उठने बैठने वाले थे तो मेरे गाँव पाटू का है। गाँव में काम नहीं किया? काम तो नहीं किया कहीं एरिया में भी, मैंने तो ऐसे कोई उसका रिलेशन से काम देखा नहीं। इनको भाई ये काम किया, उसने ये करवाया है, कोई ऐसा देखा नहीं उसके। 1.5 महीने में विधानसभा चुनाव है, मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है 1.5 महीने में आचार संहिता लग सकती है, तो क्या मानकर चल रहे हैं किसकी सरकार आ रही है? इब की बार तो जी कांग्रेस के ही 99% चांस हैं यहाँ से, और हरियाणा में ही कांग्रेस सरकार बनने की 100% चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब MP का इलेक्शन हुआ था तो एक भी सीट नहीं आई थी, तो इब की बार तो 5 सीटें आई हैं। और इसमें गुड़गांव की जो MP इलेक्शन की सीट थी, इसमें भी टक्कर रही थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 70-80,000 वोटों से ही हारे थे बब्बर साहब। साफ तौर पर कि कांग्रेस की एक तरीके से हरियाणा में जो है वो सरकार बनने जा रही है। हाँ, कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है अब हरियाणा में। सोना विधानसभा की बात करें तो सोना से ऐसा व्यक्ति कौन सा है जो यहाँ से सीट निकाल सके और हुड्डा साहब को खुश कर सके? सोना से तो अब की बार अगर जो रोहतास खटाना को टिकट मिलता तो वो निकाल देगा। अच्छा, निकाल देगा। हाँ। क्या कारण क्या मानते हैं आप? उसको तो पिछली बार भी 48,000 वोट मिली थी ना, और उसको 56-57,000 वोट मिली थी संजय को, तो वही टक्कर दे रहा है इसको। अच्छा। हाँ,
अगर कांग्रेस की मिल जाती तो इस बार उनको अपनी भी 48,000 वोट और कांग्रेस के जो कट्टर वोटर है उनकी भी वोट मिलने वाली है। कांग्रेस की तो उसको वोट मिलेंगी ही, बाकी जो कांग्रेस में दे रहे हैं और बाकी जो जो उनके खुद के हैं वो भी मिलेंगी वोट उसको। खुद की वोट है और जो उनके कांग्रेस सपोर्टर की वोट है वो मानी जा रही हैं। और जो है मोहम्मदपुर अहीर गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं और देखते हैं कि और लोग जो है वो क्या कुछ है कहते हैं। अंगल, क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन है जी। गांव के ही आप? हाँ, मोहम्मदपुर। अच्छा, हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार तो मैडम कांग्रेस की बनेगी। अच्छा। ऐसे सब दुखी है सरकार, तो सबको नाक में दमा लियो। अच्छा। हाँ, इन पर कोई मुद्दा ही ना है, इन लड़ा मारो सब कुछ, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद गाय गोबर और इनके अलावा कुछ ना है, कुछ भी नहीं है, कुछ ना है गिना। विधायक किसको बना रहे हो सोना से? सोना से जो कोई कांग्रेस को आवेगा। अच्छा। जो कोई है जो अगर कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को टिकट दे और वो टिकट जो है 100% जीत कर देगा? देख जी, इनमें शमशु हम सुने तो वोट में लेना है। इनमें रोहतास खटाना सबसे मजबूत इन आदमी है, हर तरह से रोहतास खटान है, तो सबसे मजबूत आदमी। अच्छा। राजनीति में चाहिए मजबूत आदमी। अच्छा, वो जीत जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। अच्छा। ठीक है, आपका क्या नाम है? अबे सरपंच विलेज दादू। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, हरियाणा में सरकार किसकी बनवा रही है, गांव किसकी तरफ है? कांग्रेस तरफ बता रहा, सारे गांव बता रहा। अच्छा। बीजेपी की जाएगी सरकार सारी? अच्छा। बिल्कुल जाएगी जी मैम, बिल्कुल। अबे एक्स सरपंच गांव दादू विलेज दादू, मतलब किस विधायक किसको बनाओगे? विधायक बीजेपी कोई भी आओ बन जाएगा। अच्छा, कोई भी आओ बीजेपी? कोई भी आ जाओ जी। अच्छा। कोई भी बीजेपी का आ जाए उसको जो है ये बनवा देंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रविंदर। हरियाणा में सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार के सीएम ही हुड्डा है, क्लियर है। हाँ, अच्छा। हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं। हाँ। और विधायक किसको बनवा रहे हो? मजबूत तो रोहतास खटाना ही है, सोना तो और तो इससे मजबूत कांग्रेस में कोई दिख ही ना रहा है। कोई और होता है तो वो टिकट निकाल पाएगा? ना लिखड़े ना निकले, वही निकाल सकता है, वही निकाल सकता है। क्या कारण क्या है इसका? मजबूत कैंडिडेट है और कारण यही है, हिंदू मुसलमान सब वोट देगा। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलता है रोहतास खटाना, 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलता है, हिंदू मुसलमान कोई ना समझे हो जी। अगर कांग्रेस से टिकट मिलती है तो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतते, कोई बात नहीं है जी। विधायक बन जाएगा? देखो जी, विधायक तो आप बनाओगे, हम तो क्या बनाए। भैया क्या नाम है? मनोज। मनोज, आपका कौन से गांव के हो? मोहम्मदपुर अहीर से। अच्छा, गांव के अंदर विधायक ने कोई ग्रांट कोई काम ऐसा कुछ किया है? कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम गंदगी कभी नहीं रही अब से 5-10 साल से पहले। अच्छा। जितनी अब 10 साल के अंदर है। अच्छा। तो और इस बार सरकार किसकी बन रही है हरियाणा? कांग्रेस की चाहते हैं हम। कांग्रेस की चाहते हैं। और विधायक? विधायक जो कैंडिडेट वो खड़ा करेगा उसी को बनाएंगे कांग्रेस से। कोई ऐसा कैंडिडेट जो हुड्डा साहब को बिल्कुल ये जो है सीट जीत कर दे और निश्चिंत तौर पे हुड्डा साहब बिल्कुल मतलब बेफिक्र हो जाएं कि ये सीट जीत गए? तो ये रोहतास खटाना क्यों पहले भी कई बार खड़ा हो चुका। अच्छा, उसे कुछ सकते हैं? हाँ, बस इसी को। अच्छा, क्यों, कारण क्या लगता है आपको ऐसा? वो पहले भी हो चुका है, इसमें एक बार मौका तो उसको मिलना चाहिए यहाँ से। अच्छा, वो विकास कर देंगे? करेगा, एक बार तो देना चाहिए ना उसको, तभी पता लगेगा।